तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं, देखो ये कटहल, हमने कटहल लिया है ये, तो इसके इसकी बनाएंगे हम सब्जी। और मैं इसको अब काट लेती हूँ। तो इसको मैं ऐसे छोटे छोटे भागों में काटती हूँ। ये देखो ये काट लिया, तो इसका मैं छिलका उतार लेती हूँ। इस तरीके से छिलका उतारना है हमारे को। तो ये देखो छिलका उतार लिया है, और वैसे ही मैं इसको पूरी को काट लेती हूँ, छील लेती हूँ, छिलका उतार लेती हूँ। तो ये कटहल मैंने ये देखो काट लिया और छिलका उतार लिया है। अब इसको मैं धुलूंगी। तो ये मैंने काट लिया और अब मैं इसको धुल लेती हूँ। इसको धुलेंगे तो इसकी सब्जी बड़ी स्वादिष्ट और बनती है। पनीर भी इसके आगे फैले, पनीर भी बनाएंगे तो पनीर भी पनीर से अच्छी स्वादिष्ट लगती है। इसको मैं तला के बनाऊंगी, कच्ची उबालने नहीं रखूंगी। तो ये मैंने धुल लिया है और इसको मैं अब काट लेती हूँ छोटे छोटे टुकड़ों में। देखो इसके मैं टुकड़े ऐसे ऐसे बनाऊंगी छोटे छोटे। ये छोटे इसलिए बनाऊंगी कि तलने में, इसको तलूंगी तेल में तो आसानी से तल जाएंगे ये छोटे छोटे पीस। पनीर जैसे दिखती है और पनीर जैसी लगती है ये। तो मैं अब ये पूरी को काट लेती हूँ ऐसे ही। तो इतनी मैंने काट लिया, ये थोड़ी सी बची है, मैं इसको भी काट लेती हूँ। तो ये देखो हमारी कटहल बन कट के तैयार हो गई है। तो मेरी कटहल कट चुकी है, मैं इसको तलाने के लिए चूल्हे के पास ले जाऊंगी। तो ये कटहल मैंने काट लिया और ये मैंने एक आम आम का छिलका उतार लिया है। तो मैं ये आम को काट लेती हूँ, आम भी डालूंगी मैं एक इसमें। नींबू भी डाल सकते हैं, पर नींबू नहीं है, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नींबू नहीं है, मैं नींबू की जगह पे मैं आम डाल रही हूँ। और ये मैंने प्याज लिया, तो मैं प्याज को भी काट लेती हूँ। ये प्याज लिया और ये मैंने लहसुन लिया है। देखो ये लहसुन है, हरी मिर्ची है, तो मैं इनको भी काटूंगी। हरी मिर्ची है तो मैं इनको काट लेती हूँ। हरी मिर्ची भी डालनी जरूरी है इसमें। टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हो, पर मैंने आम का आम लिया है तो मैं आम डाल रही हूँ। नींबू मिला नहीं था तो नींबू नहीं लिया मैंने। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये कटहल ऐसे बनाएंगे तो, इस तरीके से बनाते हैं। तो मैं आग जला लेती हूँ। अब मैंने मसाला काट लिया है तो मैं अब जला लेती हूँ चूल्हे को। तो चूल्हा मैंने जला लिया, मैं कढ़ाई रख देती हूँ चूल्हे पे।
तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ तेल तलाने के लिए। तलाएंगे तो ज़्यादा तेल लगेगा, तो मैं ज़्यादा तेल डाल रही हूँ इसमें। इतना सा मैंने तेल डाल लिया है तलाने के लिए। अब इसको गर्म होने देती हूँ। तो दोस्तों हमारा तेल गर्म हो चुका है, और अब देखो मैं तेल में डालती हूँ तलाने के लिए ये कटहल। तो मैं इसको तलाऊंगी। ऐसे ही तलाऊंगी मैं पूरी कटहल को, और तला तला के मैं सब्जी बनाऊंगी। तलाने के बाद बढ़िया ऐसे पनीर बनाते हैं जैसे, इसमें स्वाद आता है, पनीर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों देखो हमारी कटहल कैसी तल गई है, और इसमें सुनहरी सुनहरी कलर आ गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया, देखो ऐसा कलर हो गया इसका तला के। इसमें मैं और डाल देती हूँ। तो इसी तरीके से मैं पूरी कटहल को तलाऊंगी। तो मैं इसमें जब तक हमारी कटहल तल रही है अभी, और थोड़ी सी बाकी बची, जब तक मैं इसमें मसाला बना लेती हूँ। ये मैं हल्दी डालती हूँ इतनी सी, और ये लाल मिर्ची, और स्वाद अनुसार डालूंगी मैं नमक। और ये डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। तो ये मैंने इसमें पूरा मसाला डाल लिया। मैं इसको घोल लेती हूँ पानी डाल के। तो हमारा मसाला घोल के तैयार हो गया है। अब मैं इसको कटहल को निकाल लेती हूँ। ये हमारी कटहल तल के तैयार हो गई है, ये देखो। इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखो मेरी कटहल हमारी तल गई है, और ये पूरी ऐसी जैसे लाल लाल कलर की सुनहरी कलर हो गया है इसका। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ, क्योंकि ये तलाने में तेल कम रह गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है। तो तेल हमारा गर्म है, और मैं इसी में डाल देती हूँ जीरा। तो जीरा हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन को थोड़ा पकने देती हूँ, फिर मैं डालूंगी इसमें ये हरी मिर्ची मैंने काट कर रखी है। तो ये लहसुन हमारा देखो पक चुका है, मैं अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्ची। तो मिर्ची हमारी चटक चुकी है, मैं डाल देती हूँ इसमें प्याज। तो प्याज को मैं थोड़ी देर भूनती हूँ। और इसके साथ मैं डाल देती हूँ, मैंने आम काट के रखा था, तो मैं आम को भी इसी में एडजस्ट कर देती हूँ।
अभी मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी। तो ये देखो हमारी प्याज पक चुकी है, इसमें भुन गई है। तो मैं अब इसको मसाले को डाल देती हूँ जो मैंने भूल कर रखा था। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है हमारे को, और तुम भी एक बार बना के, मैं बना रही हूँ इसी तरीके से बना के खाओगे तो अच्छी लगेगी। पनीर को भी भूल जाओगे इसके आगे। इसको मैं थोड़ी देर भूनने देती हूँ। तो हमारी सब्जी को मैं देख लेती हूँ बनी क्या। 15 मिनट हो चुकी हैं दोस्तों, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसको उतार लेती हूँ। तो ये देखो सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है कटहल की। तो सब्जी हमारी उतर गई है, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। उतार ली हमने। मैं इसको मिला देती हूँ गरम मसाले को। मैं इसमें इस सब्जी को इसमें कटोरे में निकाल लेती हूँ।